आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग फैली है और एक छोटी सी चिंगारी जो नफरत भरे लोग बैठे हुए थे उसने पूरे दिल्ली को जलाने की कोशिश की है और खासकर लाल कुआं चावड़ी बाजार का इलाका दो दिन से बंद है और उसी के चलते सांप्रदायिकता की आग और बयानबाजी सब तरह से चालू है। और बजरंग दल ने जो हथकंडा अपनाया उसके ऊपर मैं पहले भी आप लोगों के सामने रिपोर्ट रख चुका हूं कि किस तरह दिल्ली की पुलिस ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पर लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई थी कि इस पर किस किस नेता ने बयान दिया है और कौन किस तरीके के बयानबाजी कर रहा है। तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में कूद चुके हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पहले आप लोग भी एक बार उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के लालकुआं इलाके में तनाव का माहौल बरकरार है। रविवार देर रात पार्किंग के चलते शुरू हुआ विवाद उस समय सांप्रदायिक रंग ले लिया जब एक समुदाय के कुछ लोगों ने इलाके में स्थित एक मंदिर पर पथराव कर दिया, जिससे मंदिर को क्षति पहुंचते ही दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। ओवैसी ने मंदिर तोड़े जाने की निंदा की है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, किसी पूजा स्थल या पूजा करने वाले पर हमला हमारे प्रिय देश की बहुलता और विविधता पर हमला है। बर्बरता की यह कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें समयबद्ध तरीके से दोषी ठहराया जाए। आपको बता दें कि इलाके में किसी तरह की कोई हिंसा ना हो इसे लेकर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया हुआ है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुलिस बल के साथ इलाके का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है। पुलिस ने दोनों समुदाय के बीच दूरी बनाए रखने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है और आक्रमण किसी व्यक्ति को इलाके में आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच सोमवार दोपहर को उस समय माहौल गर्म हो गया जब दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर होड़ लगी थी कि कौन जोर से नारेबाजी करता है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिश की। खुद सेंट्रल जिले के डीएसपी एमएस रांधवा ने दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर बातचीत कार्रवाई की जिससे कि मामला शांत हो सके, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्षों में से कोई समझने को तैयार नहीं है। अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांत है। पुलिस के साथ साथ इलाके में सीआरपीएफ भी तैनात है। सोमवार को एक समाचार पत्र के फोटोग्राफर को सिर में चोट लगी, जिनका कहना है कि कुछ उपद्रवियों ने उन पर हमला किया। पुलिस मंदिर को क्षति पहुंचाने के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने भी मंदिर को क्षति पहुंचाई है, मंदिर का नुकसान किया है, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मंदिर को क्षति पहुंचाने में मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो देश में नफरत फैलाने का काम करेगा उसके लिए आगे एक मिसाल पेश हो सके। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। ये वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको देखते हैं हम शाम को चैनल डिबेट पर ले करके लोग इनके ऊपर लंबी लंबी डिबेट चलाते हैं और कई मोहतरमा व
वहां जाती हैं चुनाव कैंपेन में और कहती हुई नजर आती हैं कि ओवैसी हिंदू मुसलमान का प्ले कार्ड खेलते हैं, हिंदुओं की मुखालफत करते हैं और मुस्लिम वोट खींचने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। पर जो दिल्ली में घटना घटी है उसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आए दिन सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जहर उगला, आज छोटे ओवैसी ने जहर उगला, आज AIMIM के इस नेता ने जहर उगला। पर ये लोग वो बातें बताना भूल जाते हैं जिसको लेकर के एक मिसाल पेश की जा सकती है, एक मिसाल को कायम किया जा सकता है, इसके ऊपर ये लोग बात करना नहीं जानते। पर दिल्ली में जो भी हुआ उसको लेकर के जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है सिर्फ ये तो बता रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा हुई है, सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कि लोगों का हाथ है, कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं ये शायद हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है। मैं लगातार इस न्यूज पर बना हुआ हूं और लगातार लोगों से बात भी कर रहा हूं जिसमें ये सामने निकल करके आया है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया कि देखते ही देखते वहां पुलिस बल का तैनाती हो गई और CRPF के जवान भी मौजूद कर दिए गए, एक बॉर्डर बना दी गई कि यहाँ के लोग यहाँ नहीं जाएंगे, वहां के लोग वहां नहीं जाएंगे। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल के लोगों का हाथ नजर आ रहा है और मामला सिर्फ इतना था कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में एक पार्किंग को लेकर के, एक मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर के इसे विवाद बना दिया गया और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करार दे दिया गया। 15 लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों को पीटा और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और वायरल वीडियो के बाद जो तस्वीरें निकल करके आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। दोनों समुदाय के लोगों के तरफ से नारेबाजी होने लगी और उन्हें उकसाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे जय श्री राम, तो उधर से भी नारेबाजी शुरू हो गई, नारे तक भी अल्लाह हू अकबर। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने पड़ा और लोगों को समझाने की कोशिश की गई पर लोग नहीं समझे, जिसके चलते आज भी चावड़ी बाजार की हालत नाजुक स्थिति में जरूर है पर पुलिस ने सारे मामले को संभालते हुए शांति कायम कर रखी है। पर इन सब के बीच जो मुसलमानों ने, जो वहां के मुसलमान हैं, उन्होंने भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसके ऊपर बात करना लाजमी है। वो ये है कि जो मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं फतेहपुरी मस्जिद के, उन्होंने बयान दिया कि अगर मुसलमानों ने मस्जिद मंदिर तोड़ी है तो मंदिर को बनाएंगे भी मुसलमान ही। और इसके बाद कुछ मुसलमान सड़कों पर निकले अमन शांति का पैगाम देने के लिए, उनके साथ हिंदू भाई भी मौजूद थे। ये बातें बताना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को नफरत की आग में झोंक देना चाहते हैं। कुछ दंगाई पत्रकार हमारे बीच में ऐसे जरूर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी TRP बटोर लेना चाहते हैं, पर खबर के पीछे की सच्चाई क्या है उसको बताना जरूरी नहीं समझते, ओवैसी के बयान को बताना जरूरी नहीं समझते। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज पर। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो
घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं।